दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आपके पबजी मोबाइल लाइट का सर्वर, जो इंडियन सर्वर गवर्नमेंट ने बंद करने के लिए बोला था, वह पूरी तरह बंद हो चुके हैं। 90% लोगों के जो सर्वर है पबजी मोबाइल लाइट का, वह पूरी तरह से बंद हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 90% लोगों का सर्वर अभी पूरी तरह से बंद चुका है। ओनली 10% ही ऐसे पर्सन होंगे, लोग होंगे जिनका भी सर्वर वर्क कर रहा है। और सुबह से ये चल रहा है कि पबजी मोबाइल लाइट का सर्वर पूरी तरह से बंद हो चुका है, और अब हम गेम कैसे खेलें, या हमारा गेम बंद हो चुका है तो हम क्या करें और कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर हमें वेट करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे आपको पूरा सेटिस्फाइड जवाब देने का, या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और हमें इसका वैसे परमानेंट कह सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन मिल चुका है, और हमने इसको टेस्ट करके भी देख लिया है, और कई जनों के हमारे पबजी मोबाइल लाइट का सर्वर चलने भी लग गया है क्योंकि उनका सर्वर पूरी तरह से बंद हो गया है। हमने उनको कुछ ट्रिक्स बताए और कई ऐप वगैरह बताए, वीपीएन बताए, जिनसे उनका सर्वर चालू हो गया है। और अगर उस वीपीएन से भी अगर इनका सर्वर चालू नहीं होता तो हमारे पास इसका दूसरा उपाय भी था, तो वो हम उसको यूज करते। तो हम आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता, स्क्रीन पे दिख रहा है कि पबजी मोबाइल लाइट का सर्वर जैसे ही बंद होता है तो ये वाला एरर मैसेज दिखाई देने लग जाता है। अब जब ये एरर मैसेज दिखाई देने लग जाता है तो आपका पबजी मोबाइल लाइट ओपन नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कुछ दोस्तों के हमारे पास फोन आए, मैसेज आए कि पबजी मोबाइल लाइट का सर्वर हमारा पूरी तरह से बंद हो चुका है और हम गेम ओपन नहीं कर पा रहे और नहीं हम चला पा रहे हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने उनको, मेरे पास दो दो वीपीएन के लिंक थे, वो उनको सेंड किए और उन्होंने उन वीपीएनों को यूज किया और उनका सर्वर पूरी तरह से चालू हो गया। तो हम दोस्तों उन वीपीएन के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो जिन लोगों का सर्वर ओपन हो गया तो बहुत अच्छा है। अगर अभी तक किसी का सर्वर ओपन नहीं हुआ है और उसको दिक्कत आ रही है तो वो हमारे उन दो वीपीएन के लिंक को यूज़ कर सकता है और सर्वर ओपन कर सकता है। और फिर भी आपका वो सर्वर बंद नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, तो उसके लिए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल मोबाइल को आप कोरियन वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोई वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप वो कोरियन वर्जन डाउनलोड करें और डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह अभी कोरियन वर्जन पूरी तरह से वर्क कर रहा है और उसके कई लोग स्ट्रीम भी कर रहे हैं, वह अभी बैन नहीं हुआ है। तो वो उसका उसका भी उस वीडियो का लिंक भी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो हम आपके अपने डिस्क्रिप्शन में उस पबजी मोबाइल कोरियन वर्जन का लिंक दे देंगे, उस वीडियो का, तो आप उस वीडियो को देखें और समझ लें कि किस तरह से आपको पबजी कोरियन वर्जन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद यूज़ करना है दोस्तों, तो उससे आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो आज का वीडियो इसी पे था, जो लोगों को दिक्कतें आ रही है पबजी मोबाइल के सर्वर को लेकर, और हो सकता है कि आगे अभी हमारा सर्वर भी वीपीएन से यूज़ हो रहा है और हम अच्छी तरह इसको खेल पा रहे हैं और चल रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कब तक चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल लाइट के इंडिया के सर्वर बंद कर दिए, तो हो सकता है हमारा भी सर्वर बंद हो जाए, तो फिर हमें पबजी मोबाइल कोरियर वर्जन का ही सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो आप अच्छी तरह देख लें और समझ लें और कोरियर वर्जन डाउनलोड कर लें, ताकि आप लंबे टाइम तक पबजी मोबाइल को यूज़ कर सके और खेल सके दोस्तों। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों।